हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू? अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप क्या बोलते हो? आई एम फाइन, थैंक यू बोलते हो ना। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। UIV, ये क्या हुए? दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर टॉपिक प्रोनाउंस। यानी प्रोनाउंस क्या होते हैं? दोज वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं। आपको पता है नाउन क्या होते हैं? यस, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जैसे पेंसिल, दिस इज ऑल्सो नाउन, बताया था ना मैंने आपको। सो दिस इज पेंसिल, इट इज माइन। तो इट और माइन क्या हुआ? प्रोनाउन। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। राम इज माई फ्रेंड। राम प्लेज फुटबॉल। राम स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। अब एज यू कैन वॉच, इसमें क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? राम, राइट, बार बार राम आ रहा है, ठीक है। तो राम क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। अब बार बार राम वर्ड रिपीट करने की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं? यस राइट, ही, बिकॉज राम इज अ बॉय, तो बॉयज के लिए क्या आता है? ही। राम इज माई फ्रेंड, ही प्लेज फुटबॉल, ही स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। तो ही क्या हुआ? ही हुआ प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? प्रोनाउन्स। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। यू आर मोहन, वी नो यू। अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? यू, वी, ठीक है। यू आर मोहन, वी नो यू। तो यू, वी, यू क्या हुए? प्रोनाउन। क्या हुए? प्रोनाउन। सी मोर एग्जाम्पल। रानी इज डूइंग हर वर्क। रानी डज हर वर्क नीटली। रानी इज डूइंग हर वर्क, हर इज प्रोनाउन, रानी डज हर वर्क नीटली। अब यहाँ पे भी रानी, यहाँ पे भी रानी, ठीक है ना। तो जो वर्ड यानी रानी की जगह क्या यूज कर सकते हैं? अब रानी इज अ गर्ल, गर्ल के लिए क्या आता है? शी, शी डज हर वर्क नीटली। एक बार तो चलो स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन बार बार सेम वर्ड रिपीट करने में कितना ऑकवर्ड लगता है, ठीक है ना। तो जो वर्ड नाउन की जगह आते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। शी डज हर वर्क नीटली, शी इज प्रोनाउन, हर इज ऑल्सो प्रोनाउन। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। आई एम, इसमें आप बताना प्रोनाउन कौन से हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक। वन दिस, दूस। वी आर वॉचिंग अ मूवी। टेल मी विच इज प्रोनाउन? आई, राइट। वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी, आई, वी, दीज आर प्रोनाउन्स। यानी जो वर्ड नाउन की जगह आए, यानी इसमें कोई नेम तो नहीं है ना,
आई कोई नेम नहीं होता, बी नेम नहीं है, तो दीज आर प्रोनाउंस। ठीक है, लेट्स वॉच मोर एग्जाम्पल। डोंट टच द आयरन, ठीक है, द आयरन इज हॉट, आयरन यानी प्रेस। ठीक है, तो डोंट टच द आयरन, द आयरन इज हॉट। अब देखो फर्स्ट लाइन में तो चलो ठीक है, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? आयरन अ थिंग है, थिंग के लिए क्या आता है? टेल मी, यस इट, सो डोंट टच द आयरन, इट इज हॉट। तो इट क्या हुआ? प्रोनाउन। इट क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है, तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है, आयरन नाउन हुआ, ठीक है, तो उसकी जगह, आयरन की जगह क्या यूज किया हमने? इट। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, लेट सी मोर एग्जाम्पल। राहुल, राजू एंड मोहित आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राहुल, राजू एंड मोहित आर गोइंग टू मार्केट। अब मैंने बताया था अगर वन, ठीक है, अगर वन हो तो, अगर ओनली राहुल होता, अगर सिंगुलर नाउन हो तो ही यूज होता, बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन हो यानी वन हो, अगर राहुल वन होता, सपोज यहां पे लिखती हूं मैं, राहुल इज अ गुड बॉय। ये देखिए फर्स्ट, यहां देखिए, पहले यहां देखिए, राहुल इज अ गुड बॉय, यानी यहां राहुल वन है, ठीक है, तो वन है, तो अगर वन नाउन हो यानी सिंगुलर नाउन हो, अब राहुल बॉय है तो बॉय के लिए क्या आता है? ही। क्या आता है? ही। तो क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहां पे वन से ज्यादा है, राहुल है, राजू है एंड मोहित है, यानी एक से ज्यादा नाउन हो तो, ठीक है, एक से ज्यादा हो तो क्या यूज करते हैं हम? एक से ज्यादा होंगे तो दे, दे आर गोइंग टू मार्केट। सो दे क्या हुआ? प्रोनाउन। दे क्या हुआ? प्रोनाउन। अगर अकेला राहुल बॉय, अगर वन बॉय हो तो ही, वन गर्ल हो तो शी, ठीक है, एक से ज्यादा हो तो दे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, एक से ज्यादा हो तो दे। ठीक है, अब प्रोनाउन में आई, वी, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, ओ सॉरी, हर, इट, अस, देम, दे, माइन, आवर, हिज, हर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है, आई, वी, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, अस, them, they, mine, our, his, hers, etc. So ये सारे words क्या हैं? ये pronoun है। क्या हैं? Pronoun। ठीक है बच्चों, चलो let's do more examples। इसमें आपको underline करना है कि कौन से pronouns है, ठीक है, let's do। The girls are
playing with their dolls. We had done our work. Tell me, कौन से pronoun है इसमें? The girls are playing with their dolls. तो यहाँ पे pronoun कौन सा है? Their. We had done our work. तो यहाँ पे कौन सा pronoun है? We भी है और our भी है. ठीक है? अब I tell you कि ये जो pronouns हैं, जैसे I, we, they, their, them, us. ठीक है? इन्हें थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है? ये जो आई वी वी यू, ये कौन से प्रोनाउंस हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. कौन से प्रोनाउंस हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. आई वी यू दे देम इट, ये सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है? तो ये पर्सनल प्रोनाउंस को हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन. ठीक है? थ्री कैटेगरीज में फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बोल रहा है, स्पीकर. जैसे अभी कौन बोल रहा है? आई एम स्पीकिंग. आई एम स्पीकिंग यानी आई यानी मैं बोल रही हूं ना. वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं ना. तो आई वी. ठीक है? आई एम डूइंग माई वर्क. सो आई माई क्या हुआ? प्रोनाउंस. और कौन बोल रहा है? आई यानी जो बोल रहा होता है. ठीक है? जो बोल रहा है दैट इज फर्स्ट पर्सन. ठीक है? और अभी मैं किससे बात कर रही हूं? आप लोगों से. ठीक है ना? आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रही हूं. तो यू आर सेकंड पर्सन. यू आर सेकंड पर्सन. ठीक है? फर्स्ट पर्सन आई वी मी माइन आवर अस. और सेकंड पर्सन यू योर्स यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है और सेकंड जो सुन रहा है. यानी अभी आप सुन रहे हो मुझे तो आप सेकंड पर्सन हुए, मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई. क्लियर? अब उसके बाद है थर्ड पर्सन. कौन सा होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दे आर गुड स्टूडेंट्स. अब हम दे यानी किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो किसी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है? तो वो होता है थर्ड पर्सन. ठीक है? थर्ड पर्सन में क्या आएगा? He, she is a nice girl. Him, his. ठीक है? It, its, etc. ठीक है? तो जो प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउंस है थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, सेकंड जो सुन रहा है, और थर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे मैं दो इंसान आपस में बात कर रहा है, एक तो बोल रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है. और जब हम तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं दैट इज थर्ड पर्सन. क्लियर चिल्ड्रन?